आर्थिक मंदी से जूझ रहे देश के लिए एक और बुरी खबर आई है। घरेलू सर्विस सेक्टर की गतिविधियां लगातार दूसरे महीने भी घटी हैं। मांग कमजोर पड़ने के कारण सितंबर के बाद अक्टूबर में भी सर्विसेज पीएमआई में गिरावट दर्ज की गई है। यह अर्थव्यवस्था में कमजोरी का संकेत है। मंगलवार को जारी एक निजी बिजनेस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में कारोबार बढ़ने को लेकर उम्मीद पिछले 3 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर आ गई, जो सर्विस सेक्टर के लिए काफी नुकसानदेह है। हालांकि निक्केई IHS का मार्केट सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स PMI इंडेक्स सितंबर के 48.7 के मुकाबले अक्टूबर में बढ़कर 49.2 के स्तर पर पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि गतिविधियां पिछले महीने में भी सुस्त पड़ी, लेकिन इसकी रफ्तार सितंबर के मुकाबले कम रही। इस इंडेक्स का 50 के नीचे रहना कारोबार घटने का संकेत होता है। इससे पहले अगस्त 2017 में लगातार 2 महीने सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में गिरावट दर्ज की गई थी। यह वो समय था जब GST को लागू किया गया। ब्याज दर में कटौती, सुधारों से राहत। IHS मार्केट की प्रधान अर्थशास्त्री पार्लियाना डी लीमा ने कहा, यह चिंताजनक है कि भारतीय सर्विस सेक्टर संकुचन के दौर से गुजर रहा है। मांग कमजोर पड़ने की वजह से बिजनेस एक्टिविटी में कमी आने के कारण भी ऐसा हो रहा है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से मुख्य नीतिगत दर रेपो रेट में इस साल अब तक 1.35% कटौती किए जाने और हाल ही में किए गए आर्थिक सुधारों के कारण बिजनेस एक्टिविटी को मामूली सहारा मिला। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।